अभी हम जा रहे हैं उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव, वो भी नियरेस्ट है, तकरीबन हाफ एन आवर के अंदर अंदर आ जाएंगे। 7.5 किलोमीटर है पाजी, तो वैसे 2 मिनट में पहुंचा दे, पर हमें लग जाएगा 20 मिनट, जीपीएस बता रहा है। तो मिलते हैं गाइस केव के अंदर। चलो चलते हैं केव में। तो गाइस एक बार फिर देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए शिवा के, लॉर्ड शिवा के लिंगराजा टेंपल। ये देखिए बहुत सारे टेंपल हैं यहाँ पे, ये इस तरफ भी टेंपल हैं, तो इस तरह से बहुत सारे टेंपल हैं यहाँ पे। ये आगे देखिए, 2-3 तो आगे ही हैं, और हम उदयगिरी और खंडगिरी केव के पास पहुँच गए हैं। जस्ट 400 मीटर के बाद ये केव्स हैं, और लेफ्ट राइट दोनों साइड पे हैं आई थिंक केव्स। एक साइड है उदयगिरी, एक साइड है खंडागिरी। बाइक कहाँ पार करें, पहुंच तो गए हम। गाइस हम पहुंच चुके हैं खंडगिरी उदयगिरी की केव्स पे। मेरे राइट हैंड पे है खंडगिरी और मेरे लेफ्ट हैंड पे है उदयगिरी। है सामने उदयगिरी की केव्स हैं और इस तरफ हैं खंडगिरी की। पहले हम चलते हैं उदयगिरी, जो कि 18 केव्स हैं, और खंडगिरी में है 15 केव्स। तो चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी देख रहे हैं अब रानी गुफा, केव नंबर 1। ये है रानी गुफा, ये बहुत सारी केव हैं इसमें, करीबन देखिए कितनी सारी केव्स हैं ऊपर। ये नीचे का व्यू है, ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है और वो फर्स्ट फ्लोर है, ये देखिए, और तीसरा फ्लोर भी है, वो पल्ली तरफ है। 3 फ्लोरों में ये केव्स बनी हुई हैं, और ये आर्किटेक्चर देखिए, मूर्तिकला देखिए, कितना ज़बरदस्त मूर्तिकला है। और ये करीबन 2000 साल पुरानी है, 1st century BC के समय की है ये, कितना शानदार है। ये एक एक कमरे हैं, सभी जितने भी मोंग थे उनका कमरा है ये एक एक। और ये भुवनेश्वर से 10 किलोमीटर पहले हैं, ये देखिए मूर्ति, ये सब छिन्न भिन्न कर रखी है यहाँ पे, काफ़ी तोड़ाफोड़ी भी हुई पड़ी है। ये देखिए केव, आप ये देखिए, वो हमने देखी रानी गुफा जो केव नंबर 1 है। केव नंबर 2 है बाजागर गुफा, ये पीछे ये है मेरे बाजागर गुफा, ये केव नंबर 2 है। और केव नंबर 3 है हाथी गुफा, ये पीछे है हाथी गुफा। और अंदर से दिखा देता हूँ मैं एक बार, ये देखिए अंदर से केव, ये देखिए केव, पूरी एक चट्टान को काट के केव बनाई हुई है। ये दोनों तरफ हैं उदयगिरी और खंडागिरी, ये दोनों केव हैं, और पहाड़ को काट के बनाई हुई है ये केव्स। और इसके पीछे है अलकापुरी गुफा, और ये है जय विजय गुफा, ये मेरे सामने है जय विजय गुफा। तो ये 8वीं नंबर गुफा है, और इसका नाम है पतालपुरी, और वो 9th नंबर है जो आप देख पा रहे हैं सामने, बिल्कुल वो 9 नंबर गुफा है। ऊपर चलते हैं अब, ये सामने गुफाएं और सारी। तो गाइस ये सबसे बड़ी गुफा है हाथी गुफा, ये देखिए सामने सबसे बड़ी गुफा है ये हाथी गुफा, और वो सामने है सर्प गुफा, हरिदास गुफा। तो गुफा नंबर 16, और ये आगे एक और गुफा है, ये है जगन्नाथ गुफा, इसको बंद क्यों कर रखा पता नहीं, रसोई गुफा, और यह है रसोई गुफा। टोटल हो गया 18 केव। तो गाइस अभी हम हैं उदयगिरी केव में, और खंडागिरी केव ये मेरे सामने है, सामने दिखा देता हूँ, ये सामने, ये रोड के पल्ली तरफ है खंडागिरी। यहाँ पे है 18 केव्स, और खंडागिरी में है 15 केव्स, टोटल है 33 केव्स। तो दोनों केव्स लगभग सेम ही हैं, ये मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। और ऊपर है जैन दिगंबर टेम्पल, और ये जितने भी केव्स है ये जैन मॉन्क्स के केव्स है, घर थे उनके। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे पूरी भुवनेश्वर सिटी,
सबसे ऊंचाई से ये व्यू है भुवनेश्वर सिटी का। तो अभी हम चलेंगे कटक, कटक में एक फोर्ट है उसको एक्सप्लोर करेंगे, उससे पहले शायद लंच करेंगे भुवनेश्वर में। और गर्मी बहुत है सर, ये जो जैकेट पहनी हुई है 20 किलो की, पसीना पसीना कर रखा है इसने। तो चलते हैं वहाँ अभी खंडागिरी में। तो गाइस हम आ गए हैं खंडागिरी केव देखने, इससे पहले हमने देखी है उदयगिरी केव, ये है खंडागिरी केव और ये है 15 केव्स और हमने पहले देखी है 18 केव्स। तो चलते हैं ऊपर। भाई गर्मी से बहुत ही हालत ख़राब हो गई है, जैकेट खोल रखी है लेकिन अंदर बहुत पसीने हो गए। 12:30 बज चुके हैं और हमने शांति स्तूप एक्सप्लोर कर लिया है, लिंग राजा टेम्पल उसको एक्सप्लोर कर लिया है और ये केव खंडागिरी और उदयगिरी केव दोनों को हमने एक्सप्लोर कर लिया है। अब या तो हम यहाँ पर लंच करेंगे नहीं तो हम सीधे निकलेंगे कटक को, गर्मी बहुत है यार, अब सहन नहीं हो रही है और फरवरी का महीना है और गर्मी की हालत ख़राब है यार। चलते हैं, ये पीछे मेरे दिगंबर जैन टेंपल है और यहीं से रास्ता जाता है, सबसे ज़्यादा भीड़ इसी रास्ते पे। ये देखिए माता जी चढ़ रही हैं ऊपर। तो गाइस ये है विकास और ये बेचते हैं गोला चुस्के, हमने गोला भी खाया और नींबू पानी भी पिया यहाँ पे। अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी थी और मैंने हेलमेट इनका यहाँ रखा तो भाई ने अंदर सेफ में रख दिया था, थैंक यू विकास बाय। तो गाइस अभी चलते हैं लंच के लिए फोर्ट को। तो गाइस ये है केव्स उदयगिरी और इस तरफ है खंडागिरी और जैन टेंपल है ऊपर, सबसे फेमस टेंपल है, सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पे थी आज, पता नहीं कोई पूजा थी क्या थी, बहुत भीड़ थी आज, लाइन लगी हुई थी। तो अभी हम जा रहे हैं उड़ीसा होटल जो शहीद नगर सिटी में है, यहाँ पर काफ़ी कुछ है देखने को, बहुत ही जगह है। भुवनेश्वर तो एक अल्टीमेट टूरिंग स्पॉट है, बहुत बड़ा पुल बच गया और ये हाईवे आ गया है। बस आज और कल का दिन है उड़ीसा में और अभी तक का सफ़र हमें यार बहुत ही मज़ेदार रहा और वाकई में उड़ीसा बहुत ही खूबसूरत है और जितने हमने 12 दिन उड़ीसा में बिताए हैं वो कम है, यहाँ तो महीना भी कम है उड़ीसा घूमने के लिए। आई लव उड़ीसा और उड़ीसा के लोग बहुत ही अच्छे हैं, दिल से सल्यूट है उड़ीसा को। बस एक चीज़ की कमी लगी मुझे कि यहाँ साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन शिशु भवन, तो हम अभी भुवनेश्वर सिटी में एंटर कर लिया है, ये पूरी भुवनेश्वर सिटी है, ये मॉल है सेंट्रल मॉल जैसे दिल्ली में भी है, पेंटालून बड़े बड़े मॉल है भुवनेश्वर में भी, ये पेट्रोल पंप, होंडा का शोरूम, पेपे जींस, यहाँ भी पेपे। तो अभी आप देख रहे हैं भुवनेश्वर सिटी को, बहुत भीड़ भाड़ है जैसे दिल्ली की भीड़ भाड़ हो। मार्केट भी काफ़ी अच्छी मार्केट दिखाई दे रही है। गाइस अभी मैं हूँ शहीद नगर और मेरे साथ में है उड़ीसा होटल जो दिल्ली में भी, पुणे, कटक, भुवनेश्वर, ये सारी जगह ब्रांच है इसकी। तो अभी हम कुछ लोकल उड़ीसी खाना टेस्ट ट्राई करेंगे। तो गाइस अभी हम आए हैं उड़ीसा होटल में और यहाँ का स्पेशल उड़ीसी फूड खाने हैं, तो हमने ये मंगाई है थाली, ये देखिए। तो हमारे दो दोस्त आए हैं जो अभिजीत की सिस्टर हैं, उनकी फ्रेंड है, मैं उनसे मिलवा देता हूँ। इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। मीनाक्षी आई एम सुष्मिता। तो ये दोनों अभिजीत के सिस्टर हैं, वो उनकी फ्रेंड है। तो आप अभिजीत से पहले मिल चुके हैं, तो अभी ये अभिजीत ने स्पेशल कहा था कि आप भुवनेश्वर आएँ तो यहाँ पर ज़रूर खाना खा के जाएँ, तो मुझे क्या क्या है एक बार मुझे बता देंगे आप? उड़ीसा का थाली है तो इसमें आता है पहले खिचड़ी और ये चावल है। अगर ठीक है, ये खिचड़ी है, हाँ, ये चावल है और ये एक रायता है और ये दाल है, अचार है
पापड़ है और एक कखारू आता है उसका फूल है जो हम चावल के एक पेस्ट बनाते हैं और उसको तलते हैं। ओके ओके। और ये आलू का भरता हो गया और ये भुजिया हो गया और ये साग हो गया और ये बड़ी चूरा जो हमारे उड़ीसा की फेमस है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो भाई अभी खा गया, आपको बताऊंगा कैसा टेस्ट है।